सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम ज़िया। देखिए गाइज, आज एक और बहुत ही खूबसूरत सा बहुत बेहतरीन ये डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। तो ये देखिए किस तरह से डाला जाएगा। सेवन के मल्टीपल से आइए फंदे डलेंगे। एक सेवन में ये वाला डिज़ाइन आएगा, एक सेवन में ये वाला डिज़ाइन आएगा। तो सेवन के मल्टीपल से आप फंदे डालें। ये मैंने 37 फंदे लिए हैं। इसमें मैंने सेवन के मल्टीपल से फंदे डालने के बाद 2 प्लस कर दिए थे। चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। जब आपका बॉर्डर रेडी हो जाए तो आपने क्या करना है, देखिए पहला फंदा हमारा स्टिच है। अब हम इसमें 1 2 3 तीन फंदे हमने सीधे बुने। अब ये पहला फंदा जो था तीन में का, इसको इन दो पर से हम इस तरह से स्लिप कर देंगे। यहाँ पर दो फंदे बचे हमारे। अब देखिए एक फंदा ये बीच में मैंने जो है उल्टा रखा है, उनको आगे लाकर इस फंदे को हम ये उल्टा बनाएंगे। फिर उन पीछे पहुँचाकर तीन फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 तीन फंदे सीधे बुने। फिर ये तीन में का पहला वाला फंदा इन दो पर से स्लिप कर देंगे। देखिए फिर से दो बचे। अब हमारे ये अगले सेवन फंदों में दूसरा डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए उनको आगे लाएंगे, एक फंदे को स्लिप किया, दूसरे को उनको आगे ही रख कर सीधा बुन देना है। फिर से उनको आगे लाएंगे, एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा अगला ऊन आगे रख कर सीधा बुन देंगे। फिर उनको अपने सामने लिया, एक फंदा स्लिप किया, फिर इस फंदे को सीधा बुन देंगे। देखिए फिर से उनको आगे लिया, इस फंदे को स्लिप किया। अब अगले सेवन फंदों में हमारा ये डिज़ाइन आएगा। सेवन फंदे यहाँ पर हो गए, लेकिन उनको आगे रखना है अपने इस बार भी। तो तीन फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और इन तीन में का जिस तरह से पहले डिज़ाइन में दिखाया है मैंने आपको, एक फंदा सिलाई से लेकर इन दो पर से नीचे स्लिप कर देंगे। दो फंदे बचे यहाँ पर। अब एक फंदा उल्टा बनाना है हमें, उनको पीछे पहुँचाया, फिर से तीन फंदे सीधे, 1 2 3 देखिए तीन फंदे हो गए हमारे। एक फंदा तीन में का फिर से दो पर से स्लिप करेंगे। दो फंदे बचे हमारे यहाँ पर। अब देखिए ये सेवन फंदों का ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से वही डिज़ाइन आएगा, उनको आगे लिया, एक फंदे को स्लिप किया, दूसरा फंदा सीधा बुन देंगे। फिर उनको आगे लिया, एक फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा बुन देंगे। फिर उनको आगे लिया, एक को स्लिप किया, दूसरे को सीधा बुन देंगे। अब देखिए फिर से ये हमारे उनको आगे लिया, इस फंदे को स्लिप किया। अब देखिए सेवन फंदे बचे हैं हमारे यहाँ पर, एक फंदा स्टिच है। तो इन सेवन फंदों में दूसरा डिज़ाइन आएगा, उनको आगे ही रखना है। तो देखिए फिर से तीन फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 तीन में का एक फंदा पहला वाला इन दो पर से नीचे स्लिप कर देंगे। फिर उनको आगे लिया, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर उन पीछे पहुंचाकर तीन फंदे सीधे, 1 2 3 अब तीन में का ये पहला इन दो पर से स्लिप कर देंगे नीचे, एक फंदा ये उल्टा बना देंगे। ये स्टिच है हमारा। अब देखिए रॉ नंबर 2 आई है हमारी और रॉन्ग साइड है, तो एक फंदा हम अपना बिना बुना उतार देंगे। अब ये दो फंदे जो बचे थे जिस पर से हमने स्लिप किया है, तो देखिए पहले को उल्टा बनाएंगे पहले फंदे को, और फिर सिलाई पर ऊन घुमा कर लाएंगे, दूसरा फंदा बुन देंगे। यहाँ पर जाली भी आ जाएगी और ये तीन फंदे हमारे, दो जो बचे थे तीन हो गए। अब ये एक फंदा जो उल्टा बुना था उसको हम सीधा बुनेंगे। फिर से उनको आगे लाएंगे, फिर ये दो फंदे हैं, एक को उल्टा बुना, ऊन सिलाई पर घुमाई, फिर से अगला फंदा बुना। ये सेवन फंदे कंप्लीट हो गए। अब ये हमारा अगले सेवन वाला डिज़ाइन आया है, तो उनको आगे पहुँचा कर जो ये दो दो फंदे दिखाई दे रहे हैं उनको ऊपर लेकर हमने बुना था, तो इन दो को हम सीधा बुनेंगे। फिर अगला एक फंदा है ये सिंगल, इसको उल्टा बनाएंगे। फिर ऊन आगे पहुँचा कर दो फंदे हैं, इनको सीधा, फिर ऊन आगे लाकर एक फंदा उल्टा, फिर ऊन आगे पहुँचा कर दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा सिंगल है इसको, फिर ऊन आगे पहुँचाएंगे, फिर ये दो फंदे आए हैं, देखिए ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये इन दोनों को एक साथ लेकर इसका एक बना देंगे। अब अगला डिज़ाइन आया है सेवन फंदों का, देखिए
तो इसमें ऊन को आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को सिलाई पर घुमाएंगे, अगला फंदा भी उल्टा बुना, फिर एक फंदा ये बीच में सीधा रखा है, रॉन्ग साइड पर इसे सीधा बुनेंगे। अब देखिए एक बुना, ऊन को सिलाई पर घुमाया, ये देखिए फिर से ये अगला डिज़ाइन आया है सेवन फंदों का। दो को एक एक साथ बुन देंगे सीधा, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर उन पीछे पहुँचा कर दो एक साथ, फिर उन पीछे लाकर एक फंदा सिंगल, फिर उन पीछे पहुँचा कर, ये दो दो आपको अलग ही दिखाई देंगे, इन दोनों को सीधा बुनना है इकट्ठा। एक फंदा सिंगल उल्टा, फिर दो फंदे हैं इनको सीधा, फिर उन पीछे लाएंगे। देखिए अब ये सेवन फंदा आए हैं जिसको हमने फंदे को स्लिप किया था, दो बचे थे, तो पहला फंदा उल्टा बुना, उनको सिलाई पर घुमाया, अगला फंदा भी उल्टा, और ये बीच में एक फंदा जिसको सीधा बुना था, उल्टा बुना था राइट साइड पर, उसे सीधा बुन देंगे, फिर उनको घुमाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा ये भी हम उल्टा बना देंगे। देखिए हमारी रो सेकंड भी कंप्लीट हुई, अब रो थर्ड आई है हमारी। तो पहला फंदा हमारा एस स्टिच है, बिना बुना उतारा। अब ये तीनों फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये जाली का भी और ये दोनों भी, ये तीन फंदे सीधे बनाए। अब उनको आगे लिया है, बीच में उल्टा फंदा है एक, उनको पीछे पहुँचा कर फिर से तीन फंदे सीधे, एक ये जाली का जो ऊपर ली थी उन हमने घुमा कर, ये फिर से सेवन फंदे हो गए हमारे। अब देखिए ये इस डिज़ाइन को फिर से उसी तरह से बनाएंगे, उनको आगे लिया, एक फंदा स्लिप किया, एक को सीधा बुन दिया, फिर से ऊन आगे ली, इसको स्लिप किया, फिर एक फंदा सीधा बुन दिया, फिर ऊन आगे ली, इसको स्लिप किया, फिर ये सीधा बुन दिया, फिर ऊन आगे ली, इसको स्लिप किया। अब देखिए स्लिप कर लिया हमने फंदा, ये सेवन हो गए, लेकिन ऊन को इसको यहीं पर रखना है, तब अगला ये फंदा हमें बुनना है। ये अगले सेवन फंदे आए हैं हमारे, एक ये जाली का है, दो तीन, उनको आगे लिया, इसको एक को उल्टा बनाएंगे, फिर उन पीछे पहुँचा कर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर उन आगे लाएंगे, फिर से वही फंदा आया है, एक को स्लिप किया, एक को सीधा, उन आगे लेकर स्लिप किया, एक को सीधा, ऊन आगे लेकर फिर स्लिप किया फंदा, फिर एक फंदा सीधा, फिर ये स्लिप किया। अब देखिए तीन फंदा फिर से सीधे बुने जाएंगे, एक ये जाली वाला भी और ये भी, तीन फंदे सीधे बुने, ऊन को आगे लिया, ये फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा जो है हमारा, फिर ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, देखिए रॉ थर्ड भी कंप्लीट हुई। अब रॉ फोर्थ आई है हमारी, रॉ फोर्थ को फिर से उसी तरह से बुनेंगे, जो फंदे ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, ये वाला फंदा सीधा बनेगा जिसको हम उल्टा बना रहे हैं सीधी सिलाई पर, फिर से ये तीन फंदे उल्टे हैं, एक दो तीन। अब देखिए ये सेवन फंदों वाला डिज़ाइन आया है, जो दो दो बुने जाएंगे यहाँ पर, उनको आगे पहुँचाया, इन दोनों को सीधा बना दिया, उन पीछे लाकर एक फंदा उल्टा, जो सिंगल फंदा है उसे उल्टा बनाना है, जो ये डबल डबल एक साथ आ रहे हैं उन दोनों को, ये ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इनको सीधा बुनना है। देखिए फिर से ये फंदे हमारे तीन उल्टे बनेंगे, एक दो तीन, एक फंदा ये सीधा जो उल्टा बना रहे हैं, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर उन आगे पहुँचा कर सेवन फंदों का ये दूसरा डिज़ाइन आया है, तो दो फंदे सीधे लेकर, फिर एक उल्टा, फिर दो को सीधा, फिर एक उल्टा, फिर दो को इकट्ठा लेकर एक बना देंगे सीधा, फिर एक ये सिंगल उल्टा, फिर ऊन आगे पहुँचा कर दो फंदे हैं एक साथ सीधा। अब देखिए हमारा ये डिज़ाइन जो है वो उल्टे वालों का आया है, तीन फंदे ये पहले उल्टे बना देंगे, फिर एक फंदा ये सीधा है, अलग ही दिखाई दे रहा है ये।
ये तीन फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे आएंगे और एक स्टिच है हमारा, चार फंदे उल्टे बना देंगे। ये देखिए ये आने लगा है डिज़ाइन। अब दोबारा से डिज़ाइन आएगा, देखिए पहला फंदे को उतारा, तीन फंदे हम ये सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर से इसके ऊपर से ये यहाँ से उतारा, दो पर से सिलिक किया एक फंदा, फिर एक फंदा बीच में उल्टा है, इसे उल्टा बनाएंगे, रो फाइव है हमारी। देखिए फिर से ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ये पहला फंदा दो पर से सिलिप कर देंगे, तो ये सेवन फंदों का एक डिज़ाइन ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब अगला डिज़ाइन आया है फंदा सिलिप वाले, सात फंदों का, उनको आगे लिया, एक सिलिप किया, एक को सीधा, फिर उनको आगे लिया, एक सिलिप किया, एक सीधा, उनको आगे लिया, ये सिलिप किया उल्टा वाला, सीधे को बुन दिया, फिर ये उल्टा वाला सिलिप किया। अब ये साथ ये ऊन आगे रखनी है, ये सेवन फंदे हो गए, अब ये दूसरे सेवन चले हैं, उनको आगे रख कर ही ये फंदा सीधा बुनेंगे हम, एक दो तीन, पहला फंदा इन दो पर से सिलिप कर देंगे, जिस तरह से फर्स्ट ड्रॉपर मैंने आपको बताया था, एक फंदा बीच में उल्टा है हमारा, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, पहला फंदा सिलिप कर देंगे, उनको आगे लिया, फिर से सिलिप करेंगे, एक फंदा सिलिप किया, दूसरा सीधा, ये सिलिप किया, दूसरा सीधा, ये सिलिप किया, फिर अगला सीधे बुनेंगे तीन फंदे, एक दो तीन। ये देखिए पहला फंदा इन दो पर से स्लिप कर दिया, यहाँ पर दो बचे, अब एक फंदा उल्टा है इसके बीच में, फिर से तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, अब इस पहले को इस पर से स्लिप कर देंगे और ये एस स्टिच उल्टा बना देंगे। अब देखिए रो सिक्स आई है हमारी, रो सिक्स में फिर उसी तरह से एक फंदे को बिना बुना उतारा, अब इन दो में से एक को बुन देंगे और ये ऊन सिलाई पर घुमाएंगे और फिर दूसरा बुन देंगे, ऊन आगे पहुंचाकर ये सीधा है इसके बीच में, जिसको उल्टा बुन रहे हैं हम सीधी सिलाई पर, उसे हमने सीधा बुनना है। अब देखिए पहला फंदा है, इसको उल्टा बुना, ऊन को सिलाई पर घुमाया, फिर ये अगला उल्टा बुन दिया, अब ऊन आगे पहुँचाएँगे। अब ये डबल वाले फंदों का डिज़ाइन आया है, तो दो को एक साथ लेकर सीधा, फिर ऊन पीछे एक फंदा उल्टा, फिर ऊन आगे दो को सीधा बुना, फिर एक फंदा उल्टा, बस इसी तरह से अब ये चलता रहेगा, जिस तरह से मैंने फर्स्ट रो से आपको बताया था। देखिए फिर से ये दो फंदा आए हैं जिसको स्लिप किया था, तो एक को बुना पहले, फिर ऊन को घुमाया, फिर ये एक बुन दिया, फिर ऊन आगे पहुँचा कर ये एक फंदा हमारा सीधा है, फिर ऊन पीछे लाकर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन घुमाएंगे, फिर से देखिए ये दो दो फंदे जो थे हमारे, फिर से ये तीन तीन हो गए। ऊन आगे पहुंचाकर नेक्स्ट डिज़ाइन आया है, जिसमें दो फंदे इकट्ठे बुनने हैं हम सीधे, बहुत ही बेस्ट और बहुत इजी डिज़ाइन है। जब एक डिज़ाइन आपका बन जाएगा तो आपको खूब समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर से ये सेवन फंदों वाला आया है, यहाँ दो हैं, इनको तीन करना है, उनको घुमाकर, तो पहला उल्टा बुना, उनको सिलाई पर लिया, दूसरा बुना, फिर ऊन आगे पहुंचाकर ये सीधा फंदा बुनना है उल्टी सिलाई पर। देखिए उनको ऊपर घुमाया, ये स्टिच था। अब देखिए फिर से दूसरा डिज़ाइन का आ चुका है, रो नंबर सेवन है, तो देखिए पहले इन तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, ये जाली वाला है जिसको ऊन घुमा कर लिया था, ये हमने सीधे बुने, ये उल्टा है, फिर तीन फंदे सीधे, फिर ये फंदा हमारा स्लिप होगा, एक स्लिप किया, एक सीधा, ऊन आगे लेकर स्लिप किया, फिर सीधा, ऊन आगे लेकर स्लिप किया, फिर सीधा, फिर ऊन आगे लेकर स्लिप किया, और अगले इन तीन को सीधा बुन देंगे, फिर ऊन को आगे लेंगे, ये एक फंदा उल्टा है, फिर तीन फंदे हमारे सीधे, एक दो
तीन, फिर ऊन आगे लेंगे, फिर से स्लिप वाला, एक स्लिप किया, एक को सीधा, फिर ऊन आगे लिए इसको स्लिप किया, फिर सीधा, फिर ऊन को आगे लिया इसको स्लिप किया, ये सीधा, फिर ऊन आगे लिए स्लिप किया। अब अगले सेवेंथ वाला आया है तो तीन फंदे हम इसमें सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर ये उल्टा है एक बीच में, फिर तीन फंदे सीधे। अब देखिए ये स्टिच है, इसको हम उल्टा बना देंगे। तो देखिए रो सेवेंथ भी कंप्लीट हुई, अब हमारी रो एट आई है। रो एट पर जो फंदे हमारे सीधे दिखाई दे रहे हैं उनको सीधा, और जो फंदे हमारे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको उल्टा। ये सीधा है, तीन हमारे उल्टे फंदे हैं। अब देखिए दूसरा डिज़ाइन आया है, उनको आगे पहुँचा कर दो फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, एक उल्टा, फिर दो फंदे ये सीधे, फिर एक उल्टा, फिर एक उल्टा, फिर दो फंदे ये सीधे। अब ये तीन फंदे यहाँ हमारे उल्टे हैं, एक दो तीन, और ये एक सीधा है जो एक उल्टा बुन रहे हैं हम सीधी सिलाई पर। ये देखिए फिर से वही स्लिप वाले फंदे आए हैं, दो दो का एक बनाना, सीधा बनाया, फिर ऊन पीछे लेकर उल्टा बुना, फिर ऊन आगे पहुँचा कर सीधा बुना दो को, फिर एक उल्टा, फिर दो का एक बनाया सीधा बुनकर, फिर ये उल्टा, फिर ऊन आगे पहुँचा कर दो का एक बनाया सीधा। अब ये देखिए तीन फंदे उल्टे दूसरे डिज़ाइन के, और एक इसके बीच में सीधा, और ये चारों उल्टे, एक स्टिच और तीन डिज़ाइन वाले, इसको सीधा बना देंगे स्टिच को। ये देखिए दो डिज़ाइन बन गए हैं हमारे इसमें, एक ये वाला एक ये वाला। तो बस इसी तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए ये वाले, अब तीसरा डिज़ाइन यहाँ पर डाला जाएगा। रॉ नंबर 9 आई है हमारी, एक दो तीन, तीन बुने, फिर से उनको हमने एक फंदे को इन दो पर से स्लिप किया, फिर एक फंदा बीच में उल्टा है, फिर उन पीछे पहुँचा कर तीन सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। ये देखिए फिर उनको आगे लाएंगे, फिर हमारे स्लिप वाले फंदे हैं, एक स्लिप किया एक सीधा, एक स्लिप किया एक सीधा, एक स्लिप किया एक सीधा, एक स्लिप किया। अगले वाला डिज़ाइन आया है, ये तीन फंदे सीधे, और तीन सीधा बनाने के बाद पहले को इन दो पर से स्लिप कर देंगे, फिर एक बीच में उल्टा है हमारा फंदा, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, पहले को दो पर से स्लिप किया। अब देखिए ये वाला स्लिप होगा, ये सीधा बुनेंगे, उनको आगे लेकर स्लिप किया, फिर सीधा, फिर उनको आगे लेकर स्लिप किया, फिर सीधा, फिर उनको आगे लेकर स्लिप किया। अगले सेवन फंदों वाला डिज़ाइन आया है, तो तीन फंदे सीधे बनाएंगे पहले, और एक को इन दो पर से स्लिप कर देंगे, एक फंदा बीच में उल्टा है, फिर एक दो तीन। ये देखिए रो 10 आई है हमारी, फिर उसी तरह से है, ये दो फंदे हैं, पहला बुना, ऊन को सिलाई पर घुमाया, फिर एक सीधा है, फिर ऊन पीछे ली, फिर दो हैं ये, एक पहले को बुना, फिर ऊन को सिलाई पर घुमाया, जाली भी बनेगी और फंदा भी बढ़ गया। फिर ये नेक्स्ट सेवन फंदे, देखिए दो का एक किया, फिर सिंगल, फिर ऊन आगे करके दो का एक किया सीधा बुनकर, फिर एक सिंगल, फिर दो का एक किया, फिर ऊन पीछे ली सिंगल, फिर ऊन आगे पहुँचाई दो का एक किया, फिर ऊन पीछे ली। फिर से दूसरा डिज़ाइन आया है, तो पहला उल्टा बुना, ऊन को घुमाया, फिर दूसरा बुन दिया, फिर एक फंदा इसके बीच में ये सीधा है, फिर एक फंदा बुना, ऊन सिलाई पर घुमाई, दूसरा उल्टा बुना। अब फिर से वही फंदे, दो का एक, फिर एक उल्टा, फिर दो का सीधा बनाएंगे एक, फिर एक उल्टा, फिर दो का एक बनाएंगे, फिर एक उल्टा,
फिर दो का एक, फिर ये वही फंदा एक बुना, उनको सिलाई पर घुमाया, अगला बुन दिया, फिर एक इसमें सीधा है ये, फिर उनको पीछे लेकर एक बुना, उनको सिलाई पर घुमाया, इस तरह से देखिए। देखिए गाइस रो 10 भी हमारी कंप्लीट हुई। अब रो 11 फिर से उसी तरह से बनेगी जिस तरह से मैं आपको बताती आ रही हूँ। वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, पहले मैं ये वाली कंप्लीट कर लूँ लाइन। तीन तो ये हमारे सीधे बनेंगे और एक हमारा ये बीच में उल्टा है, इस 6-7 फंदों को एक उल्टा बनाकर, तीन तीन सीधे, फिर ये स्लिप वाले फंदे हैं। चलिए बता देती, फिर ऊन आगे ली, स्लिप किया सीधा, फिर ऊन आगे ली, स्लिप किया, फिर ऊन आगे ली, स्लिप किया सीधा, फिर स्लिप किया, फिर ये हमारे तीन फंदे सीधे, फिर एक फंदा ये उल्टा बनेगा हमारा, फिर तीन फंदे हमारे सीधे, फिर ऊन आगे ली, एक फंदा स्लिप किया, एक सीधा, फिर ऊन आगे ली, एक फंदा स्लिप किया, एक सीधा, फिर ऊन आगे ली, एक फंदा स्लिप किया, फिर एक सीधा, फिर ऊन आगे ली, इसको स्लिप किया और अगले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ये उल्टा। ये देखिए रो 11 भी कंप्लीट हुई हमारी और रो 12 आई है। तो ये तीनों फंदे हम उल्टे बनाएंगे पहले, फिर एक फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर ये स्लिप वाले फंदे को दो का एक बनाएंगे सीधा बुनकर, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा है, फिर दो का एक बनाएंगे सीधा बुनकर, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये सीधा बनाएंगे। अब ये तीन फंदे हमारे यहाँ पर देखिए ये सीधे हैं, फिर एक फंदा हमारा सीधा। अब देखिए फिर से ऊन को पीछे लिया, तीन फंदे सीधे, अब ऊन आगे पहुँचाई, दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे हमारे ये सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे हमारे सीधे, फिर एक फंदा हमारा उल्टा, फिर दो फंदे हमारे सीधे, फिर तीन फंदे ये उल्टे, एक फंदा सीधा। देखिए तीन फंदे ये हमारे उल्टे बनेंगे यहाँ पर। अब देखिए रो 12 पर हमारा ये एक पूरा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल तीन हमारे ये डिज़ाइन इसमें बन चुके हैं। अब अगला जो डिज़ाइन आप बनाएंगे इस पर, ये वाला डिज़ाइन इस पर बनेगा और ये डिज़ाइन इस पर, सिर्फ मैं आपको एक रो बता रही हूँ उसकी। रो 13 है, पहला फंदा स्टिच है, ऊन को आगे लिया, इस पर देखिए दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ, इस डिज़ाइन पर एक फंदा स्लिप किया, दूसरे को सीधा, फिर ऊन को आगे लेकर एक को स्लिप किया, फिर दूसरे को सीधा, फिर उनको आगे लेकर एक स्लिप किया, दूसरे को सीधा, फिर उनको आगे लेकर ये स्लिप किया। अब देखिए ये 7 फंदे हैं यहाँ पर, इनको हम तीन को हम एक दो तीन, तीन फंदे ये यहाँ सीधे बुने। अब एक फंदा जो है हमारा ये वाला इस पर से स्लिप हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फंदा हमें ये उल्टा बनाना है, फिर तीन फंदे ये हमें उस सीधे बनाने हैं, एक दो तीन, एक फंदा इस पर से स्लिप कर देंगे। अब ये डिज़ाइन हमारा अदला बदली हो चुका है। अब देखिए इसको स्लिप किया, अगला सीधा बुना, एक को स्लिप किया, अगला वाला सीधा बुना, इसको स्लिप किया, अगला फंदा सीधा, फिर हमने इसको स्लिप किया, अगले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, देखिए आप कैसे इसको स्लिप करते हैं, इस पर से ठीक से फंदा सिलाई में नहीं आया था, इस पर स्लिप किया, उनको आगे किया, ये फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे इनमें के सीधे, एक दो तीन,
अब फिर से ये एक फंदा स्लिप किया, दूसरे को सीधा बुना, फिर एक फंदा स्लिप किया, इसको सीधा बुना, फिर एक फंदा स्लिप किया, इसको सीधा बुना, फिर एक फंदा स्लिप किया और उसने लास्ट को बुन दिया। देखिए गाइस, बस अब इसी तरह से जिस तरह से रो फर्स्ट से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप बनाते जाएंगे। एक बार इस वाले पर ये डिज़ाइन आएगा और फिर एक बार एक डिज़ाइन इस वाले पर आएगा, तो इसी तरह से आप इसे बनाते जाइए। और कैसा लगा आपको मेरा डिज़ाइन, मुझे मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके भी बताएं। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।